व्हाट इज अप गाइस, दिस इज द सिक्स्थ एपिसोड ऑफ टेक न्यू एंड सीरीज अब काफी सही चल रही है। बट एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर देना इस वीडियो को अगर अच्छी लगे। स्टार्ट करते हैं फटाफट से टेक न्यूज आज का एपिसोड। तो पहली जो न्यूज आती है मेरे हिसाब से काफी अच्छी खुशखबरी है, बिकॉज कुछ टाइम से, काफी टाइम से एक्चुअली जो है आ रहा था कि जो भी हम टेलीकॉम इंडस्ट्री उसमें काफी सारी दिक्कतें आ रही थी। एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया पे जो है उनपे करीब जो है 1.4 लाख करोड़ का जो है वो लोन था ऑलरेडी, AGR लोन जो था उनपे, AGR ड्यूज उनको जो पे करने थे, और उसका जो लगातार कोई भी रिलीफ नहीं मिल रही थी उनको। बट अभी जो है DoT इंडिया की तरफ से जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अपील करा है कि इन दोनों जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनको 20 साल का जो है रिलीफ पॉइंट दिया जाए, उन्हें 20 साल दिया जाए अपना कंप्लीट ड्यू अमाउंट पे करने को। और उनका रीज़न ये था कि अगर ये वो नहीं दे पाती हैं ये ड्यू अमाउंट टेलीकॉम कंपनीज, तो कंप्लीट इकोनॉमी को भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। एक्चुअली में भी जो है इकोनॉमी उतनी अच्छी चल नहीं रही है, और अगर ये कंपनी निकल जाती हैं तो फिर जो है सिर्फ मतलब एयरटेल ने तो तब भी काफ़ी सारा पे कर दिया था और वो पे करने की एक पोजीशन पे है भी, बट वोडाफोन आईडी की हालत ज़्यादा ख़राब है। तो हो सकता है कि सिर्फ जो है जियो और एयरटेल बच जाए, जो कि मेरे हिसाब से भी जो है सही नहीं रहेगा। किसी भी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिशन रहना चाहिए, अगर वो दोनों निकल गए तो सिर्फ दो ही प्लेयर्स रह जाएंगे मेजर, जो कि सही नहीं रहेगा। तो ये अच्छी चीज़ है, बाकी अभी उन्होंने अपील की है DoT ने सुप्रीम कोर्ट को, देखते हैं उनका वर्डिक्ट क्या आता है और कैसे आगे बढ़ती है इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री। तो सेकंड जो आता है, फाइनली मोटो रेजर जो है मोटोरोला का फोल्डिंग स्मार्टफोन लॉन्च हो चुका है इंडिया में। इस पे जो है ब्लॉग जरूर आप चेक कर लीजिएगा, वो ऑलरेडी लाइव है हमारी cafetechn.com वेबसाइट पे। बाकी इस स्मार्टफोन को मैंने वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल कहा था एक टाइम पे, बट अब अगर जब प्राइस सामने आ गया तो प्रैक्टिकल तो मैं बिल्कुल नहीं कह सकता इसे। जो मोटो रेजर की प्राइस आई है वो आई है 1,25,000 जो है इसकी प्राइस है, और अब तो जो है मुझे स्मार्टफोन सही नहीं लगता, बिकॉज इसमें प्रोसेसर भी जो हमें स्नैपड्रैगन 710 देखने को मिलता है, और साथ ही साथ में इसका डिज़ाइन उतना अच्छा नहीं है, नीचे जो है काफ़ी थिक बेजल हमें देखने को मिलता है विथ वाइज भी, और वैसे भी काफ़ी थिक है, और साथ ही साथ उसमें जो है मतलब सिंगल कैमरा ही देखने को मिलता है बैक में भी और जो है फ्रंट में। तो ओवरऑल स्मार्टफोन कहीं से मुझे लगता भी नहीं कोई इसे लेगा भी, मतलब जिसके पास सिर्फ एक्स्ट्रा ही पड़े होंगे वो ही लेगा, और मेरे हिसाब से किसी को लेना भी नहीं चाहिए। बट अगर क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हो एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट फोल्डिंग स्मार्टफोन, तो गैलेक्सी जी फ्लिप ऑलरेडी है यार मार्केट में, जो प्री बुक जिसकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, और 1,09,000 जिसकी प्री बुकिंग है, और इसकी जो है 1,25,000, तो कोई भी तुक ही नहीं बनता मोटो रेजर लेने का। बाकी आप बताना, मैं तो हमेशा गैलेक्सी जी फ्लिप ही चूज करूंगा अगर मेरे को लेना होगा तो। बाकी आप बताना आपको मोटोरोला रेजर अगर हम आप किसी भी केस में अगर चूज करेंगे तो, मेरे को तो नहीं पता किस केस में चूज करेंगे, आप जरूर बताना मुझे। तो जो तीसरी न्यूज आ जाती है वो आती है हमारी रियलमी की तरफ से। तो काफ़ी टाइम से पिछली वीडियोस में भी जो मैं जैसे मैंने बताया था कि रियलमी 6i जो है वो काफ़ी जल्दी लॉन्च होने वाला है, वो फाइनली सिंगापुर में जो लॉन्च हो चुका है रियलमी 6i, उसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है वो बाहर आ चुकी है। इसमें 5000 mAh की जो बैटरी रहेगी, 48 megapixel का क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा हमें इसमें, Helio G80 है इसमें प्रोसेसर, और इसकी प्राइसिंग जो कन्वर्ट होकर आई है वो आई है हमारी जो है करीब 13,000 का जो है, 3GB रैम एंड 64GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट है, और जो हायर वेरिएंट है 4128 वो जो है करीब 15,000-16,000 के जो आसपास पड़ता है। बट एक्चुअली में जब ये इंडिया में आएगा तो उसकी प्राइसिंग मेरे हिसाब से 10,000 अराउंड ही जो है वो स्टार्ट होगी, बिकॉज इंडिया में जो है वो ऑब्वियसली चीप ज़्यादा सस्ते में उन्हें पड़ता है, और वो ज़्यादा सस्ते में ही लॉन्च करेंगे। बाकी देखते हैं इंडिया में जो है ये कब लॉन्च होगा। ओवरऑल स्मार्टफोन बहुत ही बढ़िया है, और अगर 10,000 से अंदर आता है तो इस चिपसेट के साथ Helio G80 5000 mAh बैटरी, और इसके अंदर 18 वॉट का उन्होंने फास्ट चार्जर भी इंक्लूड करा है, तो ओवरऑल पैकेज बहुत ही बढ़िया बनता है। बाकी देखते हैं इंडिया में कब ये लॉन्च होगा। तो तीसरी हम आ जाते हैं रियलमी से उठ के सीधा फिर से रेडमी पे। तो Redmi K30 Pro जो है उसकी लीक्ड इमेजेस जो है वो सामने आई हैं। इसमें जो बैक में हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है फिर से, ये जो है सर्कुलर सेटअप है इस बार, हमने Redmi Note 9 Pro में स्क्वायरी सेटअप देखा था, तो उसका डिज़ाइन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। बाकी इसका कंप्लीट इमेजेस तो नहीं है हमारे पास, बट जितने अभी तक दिख रहा है वो काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन लग रहा है मुझे। और जो इसके बारे में पता चला है कि ये जो है चीपेस्ट स्मार्टफोन रहेगा स्नैपड्रैगन 865 के साथ, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, और इसकी लॉन्च डेट भी बहुत ही क्लोज है, 24 मार्च को जो है वो लॉन्च होने वाला है चाइना में। बाकी देखते हैं इंडिया में फिर ये कब आता है, और चांसेस हैं जैसे Redmi K30 इंडिया में पोको X2 बन गया था, तो हो सकता है कि Redmi K30 Pro जो है वो पोको F2 बन गया है,
बाकी देखते हैं जब वो इंडिया में लॉन्च हुआ तभी उसकी जो है बाकी पता चलेगा। और एक चीज़ और जो पता चलेगी, इसका जो एक स्पेशल एडिशन भी रहेगा जूम एडिशन, स्पेसिफिकली रेडमी K30 Pro जूम एडिशन, जिसके कैमरा जो है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव होंगे और उसकी जो ज़्यादा बेटर कैपेबिलिटीज होंगी। और रेडमी से फिर से हम उनके पेरेंट कंपनी पे जाते हैं Xiaomi पे। तो Xiaomi ने फाइनली जो है जैसे मैंने कहा था वायरलेस पावर बैंक जो है वो लॉन्च कर चुका है, जिसकी प्राइसिंग जो है 2500 है और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा पावर बैंक है। मैं तो इसे पर्सनली यूज़ नहीं कर पाऊँ क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है जो वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो ये बहुत ही अच्छा पावर बैंक रहेगा। इसमें जो है 18 वाट की हमें वायर्ड चार्जिंग देखने को मिल जाती है और 10 वाट की जो वायरलेसली चार्ज कर देता है। 10,000 mAh का पावर बैंक है, आप डायरेक्टली Mi.com से जो है इसको मंगा सकते हैं। एक जो इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ चीज आती है, व्हाट्सएप जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर जो है वो जल्दी रोल आउट करने वाला है। व्हाट्सएप पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट मैसेज जो है उसकी इमेजेस लिखी हुई है, मतलब इस फीचर की ये जल्दी से जल्दी बीटा वर्जन में जो है वो लॉन्च होगा। बेसिकली इसमें है कि आप कोई भी जो मैसेज सेंड करेंगे उसे आप स्पेसिफिकली रख सकते हैं कि वो कितने टाइम बाद जो है वो अपने आप डिस्ट्रक्ट हो जाए, मतलब वो दोनों सामने वाले को जो है वो दिखेगा नहीं, किसी के पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी। तो काइंड ऑफ नीड फीचर, होपफुल मतलब हेल्पफुल हो सकता है काफ़ी सारे केसेज में। बाकी देखते हैं कभी एक्चुअली में आता है, अभी टेस्टिंग फेज में ही है ये। लास्ट जो आ जाते हुए आता है गूगल का इवेंट जो है वो मतलब जैसे कि गूगल आईओ इवेंट जो होना था वो कोरोना वायरस के चलते जो कैंसिल हो गया था, वो जो है मई में जो है वो अब होगा। बट उसमें जो है वो ऑनलाइन इवेंट अब रहने वाला है एंड वो जो है उसमें गूगल पिक्सल 5 भी जो है वो लॉन्च होगा। और 5 में कन्फर्म हो चुका है कि उसमें जो है स्नैपड्रैगन 865 मेनली फ्लैगशिप प्रोसेसर जो है वो नहीं रहेगा, उसमें स्नैपड्रैगन 765G रहेगा। 5G उसमें भी है बट वो फिर से वही फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं है, हालांकि प्राइस उसकी जो है फ्लैगशिप ही रहेगी। और गूगल पिक्सल 5 की इमेजेस जो है वो ऑलरेडी लीक हो चुके हैं, उसके साथ साथ जो है मई में वो लॉन्च करेंगे गूगल पिक्सल 5, और गूगल पिक्सल 4a भी जो है उसके साथ ही मेरे ख्याल से लॉन्च कर देंगे। बाकी देखते हैं इंडिया में लॉन्च होता है नहीं होता, बिकॉज गूगल पिक्सल 4 सीरीज जो है वो इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था। 5 और 4a का जो है कोई मतलब कोई भी न्यूज़ नहीं है, और मेरे हिसाब से उतनी डिमांड भी नहीं है गूगल पिक्सल की, कोई भी उतना ज़्यादा वेट नहीं करता। बट देखते हैं गूगल की मर्ज़ी जैसा भी वो सोचे। बाकी जो है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के लिए इतना ही था। This is Nikhil signing off. I'll meet you in the next one.